के चक्कर में, कोरोना के चक्कर में तो ये होट गया थोड़ी देर बाद, थोड़ा ही नजर नहीं आएगा हमारे को। इसके चक्कर में तो ऐसे हाल हो गया, कुछ नहीं की अदनी ऐसी सेल्फी हो गई है। पहले तो बंदे कम से कम पाउट तो बना रहे यू करके, आजकल तो ये ऐसे ऐसे उठ हो गए, कुछ नहीं किया अदनी, अपनी शक्ल भी शीशे में देख के ऐसे लगता है ये उठ तो नहीं हो रहा कोई। मास्क लगा लगा के ऐसी हालत हो गई, थोड़े दिन बाद नाक भी नहीं, नाक तो नजर आएगी आएगी, होठ ही होठ नजर आएंगे, क्योंकि ऐसे करते करते होठ ही ऐसे इतने मोटे मोटे हो गए हैं, कुछ नहीं की हद ही नहीं। बस नीचे का होठ तो सबसे ज्यादा हो गया, नया आविष्कार हो गया है कि ऊँट सेल्फी हो गई है जापान में, क्योंकि ये होठ ऐसे ऐसे हो गए जैसे ऊँट यूज करता है। ऐसी हालत हो गई है, जिसको देखे बंदा पूरे दिन मास्क, पूरे दिन भैया। कम से कम बंदा कम से कम 12 घंटे मास्क लगा रहा है। अगर उन्होंने कभी कोरोना जाने के बाद अगर उन्होंने मास्क उतारा तो वो अपनी शक्ल देख के खुद ही डर जाएंगे इसकी। ठीक है ना, नाक तो साली पकौड़ी जैसी हो जाएगी थोड़े दिन बाद। ठीक है, नाक तो इसका नाक है ही नहीं, थोड़ी देर बाद तो मुंह भी गायब हो जाएगा, मुंह ऐसा हो जाएगा जिससे होता नहीं वो काटड़े नहीं होते, छोटे छोटे काटड़ू होते हैं उनके मुंह, थोड़े ऊँट हो जाते हैं ना सूज सूज के ऐसे मोटे मोटे, वैसे हाल हो जाएगा ऊँटों का, इतना जो जबरदस्त सीन हो रहा है कुछ इनकी हद ही नहीं। और जिनके भैया जिनके मास्क लगे लगे परेशानी हो रही है ना, जिनकी बेचारे कम से कम जो कहते ना जो हैंडसम बंदे थे ना, हैंडसम जिनको जिनको गिनती में गिना जाता था कि भैया हाँ ये बंदा बड़ा हैंडसम है, उनके थोड़े से ऐसे हो जाएंगे थोड़े दिन बाद कि वो जो बंदे उसका उनसे कॉम्प्लेक्स खाते थे ना, वो बोले साला हमारी कैटेगरी में ये भी आ गया। क्या बोलते हैं जिनको मुखौटे लगाने का शौक था उनके लिए तो मुंह जा रही है। आजकल तो एक एक नया मास्क और आ गया है, वो पहले तो मास्क को भैया खाना खाने के टाइम से कम बंदा मास्क उतार तो लेता था, आजकल पता क्या है एक नया मास्क आया है वो यहाँ ऐसे नाक पे रहता है और यहाँ से मुंह ऐसे खोलोगे तो वो मास्क यहाँ से खुल जाता है। ठीक है, और एक मास्क ऐसा आया है कि वो होठ के यहाँ तक रहेगा ऐसे और ये नाक कवर कर लेगा और वो ऐसे उठाओ और खा लो, ऐसे उठाओ ऐसे खा लो, उसमें थोड़ी देर बाद बंदा सही में शीशे में अपनी शक्ल देखना भूल जाएगा। सही में ऐसा हो जाएगा कि बंदा अपनी शक्ल सिर्फ फोटो में, जो पुरानी फोटो है ना उनको देख देख के बंदा कंघी कर लिया करेगा कि फोटो में ऐसा दिख रहा हूँ ऐसे कंघी कर लेता हूँ, बस और कुछ नहीं बचा, बस ये कोरोना के चक्कर में इतना बुरा हाल हो गया है कि बंदा थोड़े दिन बाद ना अपनी शक्ल भूल के वो सिर्फ ये अपने आप को ये समझेगा कि ये मास्क के ही मेरा थोड़ा बचा है और कुछ नहीं बचा इस मास्क के सिवा, इस मास्क के बिना जिंदगी अधूरी है। ठीक है ना, तो ये घर वालों के साथ आजकल बात बात करते हैं, वीडियो कॉलिंग बात कर ले तो घर वाले बोलते तेरे होठ पट गए उठा ले, भैया पड़ गए तो भैया उठेंगे कैसे, ये तो नेचुरल ही है, ये मास्क के चक्कर में ऐसे गिर गए कि गुजर नहीं गया आदमी। कोरोना के चक्कर में एक गिफ्ट तो मिल ही गया है, थोपड़े की ऐसी हालत हो गई है, थोड़े दिन बाद ना ये जो पंजे दिख रहे हैं तो इनकी हालत ना पंजों में तब्दील हो जाने वाली है, क्योंकि पंजे ऐसे ये हाथ हाथ नहीं रहेंगे क्योंकि इतना सैनिटाइज मार मार के इनके पंजे पंजों जैसे वो कहते हैं ना पंजो खुर होते ना खुर भैंसों की तरह खुर, ऐसी खुरदरी खाल होगी कि भाई साहब नाचते वक्त गलती से थोपड़े पे इधर उधर लग जाते ना स्क्रैच पड़ जाते स्क्रैच पड़ जाते हैं गाड़ी में, जैसे गार्ड नया फोन लेता है बंदा सोचता है ना कि स्क्रैच ना पड़ जाए, ऐसे हाल हो गया कि बंदा किसी चीज को छूते वक्त सोचता है कि कहीं मेरे हाथों से इसके ऊपर स्क्रैच तो नहीं पड़ जाएगा, ऐसा हाल हो गया हाथों का, एक हाथ और एक थोपड़े, दो चीजें इतनी मेन थी जिंदगी इनके बिना अधूरी थी, और मैं बता नहीं सकता कि एक तो जो सुबह सुबह घटना घटती है ना बंदा जो इंडिया में, चलो हमारे यहाँ तो कागज यूज कर लेते हैं, इंडिया में तो हाथ से धोते हैं, उनको तो उनके तो कांटे से लड़ रहे होंगे। ए भैया ये सही में चाइना वालों ने जबरदस्त आविष्कार किया इसका, ठीक है ना, ऐसी ऐसी बीमारी दी है ना, इसका इलाज है ना बता ना दवाई है ना उल्टा कुछ है, बस इसके साइड इफेक्ट है, नहीं नहीं आ रहे है, कभी ऊट सेल्फी आ रही है, कभी हाथ पंजे बन जा रहे हैं, खुरजरे हो जा रहे हैं, नखुनों के भी रेशे उठ गए हैं, नखुन भी कल तक ऐसे थे कि बंदा अच्छा लगता था देखने में, अब ऐसे हो गए इनमें खुरचने पड़ रहे हैं, खुरचने वो खुरच खुरच के इनमें मैल उतारना पड़ रहा है, ऐसी हालत हो गई है वो सैनिटाइज मार मार के, भाई बहुत बुरा हाल हो रहा है सही में, सैनिटाइज के चक्कर में, कोरोना के चक्कर में मास्क लगा लगा के हालत पतली हो गई।
चलो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, बनाएंगे कुछ और नया फनी, लेकिन ध्यान रखना अपने पंजों को ये कहीं क्रच क्रच के खाल में उतार लेना गर्दन वर्दन के इधर से। ठीक है चलो बाय बाय, राम राम, सी यू टाटा, मिलेंगे फिर कभी।